नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी आप लोगों को बहुत सरल और सटीक उपाय बताता हूँ। आज हम आपको बताएंगे, जिस माता बहन को संतान नहीं हो रही है, शादी को 10-12 साल हो गए हैं और परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय है। जब माता बहन का रजस तुला धर्म का जो सातवां दिन होता है, सातवें दिन ही आंकड़े कहीं कहीं उसको अकौगा भी बोला जाता है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लें, पति पत्नी दोनों जाएं, ना कि किसी नौकर से मंगाएं, पति पत्नी स्वयं जाएं, आंकड़े की जड़ लाएं, उस जड़ को शिव जी के मंदिर में, याद रहे मंदिर थोड़ा बंद हो, मतलब कि है ना, खुला मंदिर नहीं हो उसमें, नहीं और बंद मंदिर हो उसमें ये उपाय करना है। शिव जी के ऊपर से उस जड़ को 21 बार घुमाना है। जब वो 21 बार घुमाने, मतलब घुमाएंगे आप, उसारेंगे उस जड़ को, तब आप तुम्रुका जी का ध्यान करें, तुम्रुका जी का नाम लें और घुमाने के बाद शिव जी के सामने अपनी झोली फैला दें। शिव जी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान नहीं है और संतान हो जाए, इसलिए हम ये उपाय कर रहे हैं। ऐसी कामना करते हुए, मन में इच्छा करते हुए शिव जी से ऐसी प्रार्थना करें और उसी जड़ को उसी मंदिर में एक लाल धागे में, वहीं पर उस जड़ को लाल धागे में अपनी कमर में बांध लें, मतलब कि आपकी जो वाइफ हो उनकी कमर में बांध दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी कृपा होगी भोलेनाथ की और 3.5-4 मंथ में गर्भ ठहर जाएगा। अगर उनके लिए यह उपाय है जो बहुत परेशान हो गए, इनके गर्भ नहीं ठहर रहे हैं और बहुत परेशानी वाली बात है, लोग आप जिसके यहाँ नहीं होती हैं उनको बहुत समस्या होती है, उनके लिए यह उपाय है। वो बिल्कुल श्रद्धा विश्वास से यह उपाय करें। हम आप लोगों को जो भी उपाय बताते हैं उसे देखो विश्वासपूर्वक कीजिए, आप लोग विश्वास से उपाय को करेंगे तो भोलेनाथ आप पे कृपा करेंगे और आपके यहाँ जल्दी संतान की उत्पत्ति होगी। और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट भी क्या करें, और ऐसे ही अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।